नमस्कार और आप देख रहे हैं इस समय की एक ब्रेकिंग न्यूज। मंदोरी के पास में दो युवकों ने टाटा एस चालक पर चाकुओं से हमला किया। हमले में गाड़ी चालक बिल्कुल पूरी तरह से घायल हो चुका है, काफी उसको चाकुओं से चोट लगी है। ग्रामीणों ने घायल को पहुंचाया था नागरिक अस्पताल। हालात गंभीर होने के कारण उसे रेफर कर दिया गया है। देर रात की घटना बताई जा रही है। अग्रवा मेडिकल कॉलेज में फिलहाल उसका पीड़ित का इलाज चल रहा है। हालांकि मामले की पुलिस में शिकायत दे दी गई है और मामला दर्ज करवा दिया गया है। जिन युवकों ने हमला किया था वो गाड़ी लेकर फरार हो गए। घटना मंदोरी की बताई जा रही है। मंदोरी के पास में जो दो युवक जिन्होंने टाटा एस को लेकर के भागे हैं, उन्होंने ड्राइवर को चाकुओं से गोदिया, चाकुओं से काफ़ी हमला किया और उसके शरीर पर चाकुओं के काफ़ी निशान देखे जा सकते हैं। गंभीर रूप से घायल है, जिसे अभी अग्रवा मेडिकल जो है हॉस्पिटल है उसमें रेफर करवा दिया गया और उसका इलाज चल रहा है। पलपल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। फतेहाबाद और सिरसा की सीमा पर स्थित गांव डिंग मोड़ में दो युवकों ने नारायण खेड़ा चोपटा जाने वाले एक टाटा एस को किराए पर लिया। टाटा एस का चालक जैसे ही उसे नारायण खेड़ा छोड़ने के लिए जा रहा था तो गांव पीली मंदोरी के पास में टाटा एस में सवार दोनों युवकों ने उस पर चाकुओं से हमला कर दिया, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया और दोनों युवक टाटा एस लेकर के फरार हो गए। वहीं ग्रामीणों ने घायल को फतेहाबाद के नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसकी हालत गंभीर होने के कारण उसे अग्रोहा रेफर कर दिया गया। फतेहाबाद के आसपास के क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं कई बार हो चुकी हैं। आसपास के क्षेत्र में लोगों में दहशत का माहौल है। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट।